नमस्कार, निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है। आज हम कुंदरू की सब्जी बनाएंगे। ये कुंदरू हैं, इन्हें किनरू, टिंडोरा, टेंडली, टोंडली, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कुंदरू की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो आइए कुंदरू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 250 ग्राम कुंदरू ले लिए हैं। तेल 2-3 टेबल स्पून, 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 या 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 पिंच हींग, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से कम गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। तो कुंदरू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुंदरू को काट कर तैयार करेंगे। कुंदरू के हम दोनों तरफ से डंठल काट करके हटा देंगे और इसे बीच से 2 भाग करते हुए या 4 भाग करते हुए काट लेंगे। अगर बड़े हैं किनरू साइज़ में तो 4 भाग कर लेंगे, नहीं तो हम 2 भाग करते हुए काट लेंगे। कुंदरू को हमने पहले ही धो करके पानी सुखा लिया है। ये सारे कुंदरू हमने तैयार कर लिए हैं काट करके और अब हम इनकी सब्जी बनाएंगे। तो हमने पैन गरम कर लेते हैं और पैन में तेल डाल देंगे। तेल गरम होने के बाद जीरा डालेंगे, हींग डाल देंगे और जीरा भुनने पर अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे और अब हम कटे हुए कुंदरू डालेंगे। नमक डाल देंगे, सौंफ पाउडर भी डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। सब्जी को चलाते हुए 2 मिनट भूनेंगे कि सारे मसाले की कोटिंग कुंदरू के ऊपर एक जैसी आ जाए। और अब हम सब्जी को ढक करके 2-3 मिनट तक पकने देंगे। आग धीमी रखेंगे और इसके बाद सब्जी को चेक करेंगे। सब्जी को चेक कर लेते हैं। किंदरू के कलर चेंज हो गए हैं और आप दबा के देखें, हल्के से दब रहे हैं और हमें इनको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना होता, क्योंकि अगर इन्हें ज़्यादा सॉफ्ट कर लें तो सब्जी का वो स्वाद नहीं रहता जो थोड़े क्रंची रखने पर मिलता है। सब्जी को हमने 15 मिनट तक एकदम धीमी गैस पर ढक करके बनाया है और हर 3-4 मिनट में सब्जी को खोल करके हमने चला दिया है। सब्जी में हम ये अमचूर पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके मिक्स कर देंगे। सब्जी में हरा धनिया, गरम मसाला हम बाद में डालते हैं ताकि इसकी खुशबू ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी में बनी रहे। सब्जी बन चुकी है, सब्जी को प्याले में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल करके सब्जी की गार्निश कर देते हैं। कुंदरू की सब्जी तैयार है, बहुत अच्छी सब्जी बनी है और इतनी कुंदरू की सब्जी को परिवार के 4-5 सदस्यों को साइड डिश के रूप में परोसा जा सकता है। कुंदरू की सब्जी को चपाती, पराठे या चावल किसी के भी साथ परोस सकते हैं। आप कुंदरू की सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव निशामधुलिका.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं
एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।